हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग, आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स थे, आप लोग काफी परेशान थे एडमिट कार्ड को लेकर के। इफको का जो नैनो यूरिया फूलपुर का प्लांट है, जो वहां से जो रिक्रूटमेंट जारी हुई है इफको के अंतर्गत, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो नहीं, बीएससी डिप्लोमा वालों के लिए और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ये आपकी वैकेंसी स्पेशलाइज आई थी। इसका स्पेशलाइजेशन है, तो जो स्टूडेंट 12 तारीख को एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उनको अपने साथ साथ में क्या क्या लेकर जाना है। क्या एडमिट कार्ड अभी तक तो आया नहीं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट में अपडेट आई है, उस अपडेट को हम आपके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि हमने देखा आज काफी लोग, आप लोग ग्रुप में भी परेशान थे, आपको अपने एडमिट कार्ड की जगह पर क्या लेकर जाना है। आपको अभी तक कोई एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड आईडी या कोई पासवर्ड अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आपका 30 जनवरी 2023 से लेकर के और आपका 2 फरवरी 2023 तक आपके काफी लोगों को एक ईमेल आया था, जिसपे आपका लिखा हुआ था एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होना है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये इसका मोड जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। और जिन लोगों का मेल नहीं आया है या कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर एग्री क्लासेस 573 इस पर आप फॉलो करके हमसे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन पा सकते हैं। तो आइए, जो 30 तारीख में मेल आया था उसमें लिखा था 12/2/2023 में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल कर दिया गया है, और उसमें टाइमिंग भी दिया था, जिनका किसी का 9 बजे दिया था, किसी का 12 बजे दिया था, और वेन्यू ऑफ एग्जाम सेंटर भी दिया था जो कि आपका इलाहाबाद में। लेकिन उसमें दिया था द यूजर आईडी एंड लॉगिन डिटेल विल बी शेयर एट सेंटर ओनली, मतलब आपको जो यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा वो एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, उस आईडी प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आपका आईडी प्रूफ में कोई भी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, उसमें आईडी में क्या क्या, जैसा आपका डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और आधार कार्ड के बाद आपका पासपोर्ट हो गया। यदि आपके पास इस सभी में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, तो आप मैनुअली के लिए 10th का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाइएगा, 10th का हाई स्कूल का मार्कशीट लेकर जाएंगे, जिससे आपका जो वेरिफिकेशन होगा एंट्री के लिए, एग्जामिनेशन हॉल के लिए जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आपको, या फिर यदि ये भी आपका अवेलेबल नहीं है, ये तो साथ में आप ले जाना है, यदि है तो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है आपका, ये एक्स वाई जेड सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में होने चाहिए। उसके बाद आपका यदि नहीं है, तो आपने जब एप्लीकेशन आवेदन कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया था, तो एक आपको प्रिंट आउट मिला होगा, उस प्रिंट आउट को भी आपको साथ में लेकर जाना है। क्लियर। प्रिंट आउट लेकर जाना है। लेकिन आज जो मेल आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, आइए हम आपको पढ़ करके बताते हैं। डियर कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी प्रिंट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेटर, मतलब आपसे एक निवेदन है कि आप एक प्रिंट आउट लेकर जाइए, किसका, रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त किया गया है
जो आपका 30 तारीख में आया था उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, और जो एप्लीकेशन आवेदन है उसको भी आप प्रिंट करा लीजिएगा। क्लियर? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एप्लीकेशन आईडी मेंटेन मेंशनड ऑन इट, मतलब आपके एप्लीकेशन आईडी जो है आपके ईमेल पर आ चुका है, उसको आप चेक करके उसको प्रिंट आउट निकलवा करके आप लेकर चले जाइएगा इतने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका फिर बता देना चाहता हूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो पैन कार्ड नहीं होगा तो आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड लेकर जाइएगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर अगर नहीं है तो उसके लास्ट ऑप्शन में आप हाई स्कूल का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जा सकते हैं। क्लियर? बाकी जो भी आपके अपडेट्स आएंगे, कोई भी समस्या होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।